सारे वर्ग इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को हरा करके दम लेंगे। आज आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आज इस कानूनों के अंदर क्या के साथ चंडीगढ़ जैसा बड़ा शहर भी जगा दिया, मोहाली जैसे शहर से अगर इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं समझता हूँ आंदोलन पहले से ही जीत चुके हैं। हमें ये भी लड़ाई लड़नी है कि इस आंदोलन के बाद क्या करना है, क्योंकि अगर ये कानून वापस हो जाते हैं, इस कानून वापस होने के बाद आप वही खड़े होंगे जहाँ आज से 7 महीने पहले खड़े थे। अपने अपने गाँव की जमीनों को बचाना आपका अगला काम होगा, क्योंकि मैं हरियाणा के लिए बता देता हूँ और पंजाब में भी यही हो रहा होगा। हरियाणा में सरकार ने षड्यंत्र रचा है, जितनी सरकारी जमीनें जिनके ऊपर संपूर्ण अस्पताल और तमाम पावर स्टेशन थे उनको सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाने का फरमान जारी कर दिया है ताकि उनको भी प्राइवेट हाथों में सौंप सके। तो आप लोग जाकर के अपने मोर्चे पर लग जाइए। Thank you.
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚੇ ਸਰਸਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ